होम्योपैथिक केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने में, खास करके क्रॉनिक डिजीज में। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन एक फोर लेग स्टूल है, इसीलिए फॉर्मेट जो हम आपको देते हैं क्रॉनिक डिजीज में ट्रीटमेंट से पहले भरने के लिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज़ उस फॉर्मेट को भरने के पहले इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। होम्योपैथी मानती है कि हर एक बीमारी का अपना अपना कॉज होता है, बिना कॉज के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, बिना कारण के तो दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है केस हिस्ट्री के पहले कुछ ना कुछ चीज़ों को सही से समझने की और जानने की। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह अपने इस निराम्य होम्योपैथी के चैनल और अपने क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप इस बात को समझिए और आफ्टर दिन केस हिस्ट्री को कम्प्लीट करिए। हमारे पास यदि कोई आदमी बीमार होके आता है तो मेरे लिए कॉज को जानना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि होम्योपैथिक हायरार्की में सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन में कॉज सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि कॉजेशन ऑफ द डिजीज़ मालूम चल जाए तो हमें ठीक करना आसान होगा। क्रॉनिक डिजीज़ में हम ये मान के चलते हैं बेसिक थ्री मियाज़मा होता है जो आदमी को बीमार बनाता है। कॉज ऑफ द क्रॉनिक डिजीज इज़ द बिकॉज ऑफ द मियाज़मेटिक डिस्टर्बेंस, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो ज़रूरी ये होता है सबसे पहले कॉज जानिए। यदि कोई आदमी का कॉज मिल गया, इट्स ओके, सो फॉर सो गुड। यदि कॉज नहीं मिलता तो उसके बाद आगे की सिक्वेंसेस शुरू होती हैं। जैसे एक आदमी बीमार हुआ, उसके बाद से उसके मेंटल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी नींद, उसके अलावा उसका सोचने की टेंडेंसी, उसका बाकी से रिएक्ट करने का तरीका, सोसाइटी से इंटरेक्ट करने का तरीका, उसके थिंकिंग में क्या क्या चेंजेस आए। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंटल सिम्टम्स होते हैं जो आफ्टर द डिजीज़ फिनोमेना के बाद से चेंज होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, डेविएशन फ्रॉम ए नॉर्मल हेल्थ। इसी तरह से फिजिकल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। फैमिली हिस्ट्री में जो बीमारियाँ पहले से चली आ रही होती हैं उससे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मरीज किस मियाज़मा में चल रहा है, यानी कि मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी होता है। यही होम्योपैथी और बाकी थेरेपी में अंतर होता है कि हमें मियाज़मा, प्रीडोमिनेटिंग मियाज़मा जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए बिना एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन के कोई मरीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। आप दवा देके उसे आराम तो दे देंगे, लेकिन जब तक आप उसे एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन नहीं देंगे तब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है। तो ज़रूरी यह है कि प्रेजेंटिंग मियाज़मा, मरीज़ की वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, मरीज़ का चाइल्डहुड का डेवलपमेंट, उसके बाद मरीज का एडल्टहुड कैसा गया, मरीज़ का सोचने समझने की टेंडेंसी पहले कैसी थी, बाद में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मरीज़ की मेमोरी कैसी है, ये सारी चीज़ें ब्रेन के हायर फंक्शंस हैं। तो मरीज़ के ब्रेन का हायर फंक्शन काफ़ी हद तक मेडिसिन को डिसाइड कर देता है। मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल में थर्स्ट, वेदर से इंटरेक्शन, बाकी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल सेटिंग है, उसमें उसका क्या इंटरेक्शन, वो पर्टिकुलर जनरल में पर्टिकुलर वो जो बीमारी लेके आ रहा है, जैसे किसी को हेडेक या माइग्रेन हो रहा है, किसी को थ्रॉट में दिक्कत हो रही है, किसी को रेस्पिरेटरी ट्रबल है, किसी को किडनी की ट्रबल है, किसी को जीआईटी, चाहे किसी को न्यूरो, व्हाट्स ओवर जो भी कॉज है, किसी को दर्द ही उठ रहा है, तो हमें जानना ज़रूरी होता कि दर्द का कॉज, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो इंजरी, एग्जांपल के तौर पे स्प्रेन, या एग्जांपल के तौर पे कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जैसे कोई आदमी बहुत दिनों तक दुखी है और आफ्टर दिन ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। सोमैटोसाइकिक और साइकोसोमेटिक दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं जो सारी बीमारियों को कवर कर लेते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये किस ट्रेंड में चल रहा है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, यदि हम पर्टिकुलर जनरल किसी पर्टिकुलर बीमारी की बात करें, किसी को स्टमक हो रहा है, तो लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कंकामिटेंट ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। लोकेशन मतलब पेन कहाँ हुआ, सेंसेशन मतलब पेन का सेंसेशन कैसा है, चुभने वाला है, टपकने वाला दर्द है, फटने वाला दर्द है, अनबेरेबल दर्द है, रेस्टलेस कर दे रहा वो पेन, ये हो गया हमारा सेंसेशन। मॉडलिटी मतलब किस कंडीशन में उसे आराम मिला, किस कंडीशन में वर्स हो जा रहा है। किसी को पेट में दर्द हुआ, वो पेट पकड़ के बैठ जा रहा है तब आराम मिल रहा है, कि वो खड़ा रहने पर आराम मिल रहा है, या फिर उसे लेटने से आराम मिल रहा है, फिर पानी पीने से आराम मिल रहा है, खाना खाने से कहीं बढ़ तो नहीं जा रहा। तो दीज आर द मॉडलिटीज़, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी और कंकमिटेंट, ये चीज़ें क्लेम्स जिसे कहते हैं। और सिम्टम्स हमारे लिए वो ज़रूरी होते हैं जो अनकॉमन, पिक्यूलियर हों। जैसे फीवर में थ्रस्ट तो सबको लगती है, लेकिन फीवर में थ्रस्ट ना लगना अनकॉमन सिम्टम है।
बुखार आया, भूख तो चली जाएगी, लेकिन कोई आदमी बोले बुखार आया तब से बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, तो ये हमारे लिए अनकॉमन, स्ट्रेंज, रेयर और पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं जो हमारी केस हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें कॉमन सिम्टम्स की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एलोपैथी एंड मेडिसिन होम्योपैथी। एलोपैथी में कॉमन सिम्टम्स के बिहाफ पे डायग्नोसिस बनाई जाती है और होम्योपैथी में अनकॉमन, स्ट्रेंज और रेयर पिक्यूलियर सिम्टम्स के बिहाफ पे मेडिसिनल डायग्नोसिस बनाई जाती है कि हमें दवा क्या देनी है। तो हमारे लिए अनकॉमन, रेयर, स्ट्रेंज और पिक्यूलियर सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फॉर्मेट जो हम देते हैं उसमें हम अलग से एक सेक्शन दे देते हैं कि यदि आपको कोई अनकॉमन चीज़ लग रही है तो उसे ज़रूर मेंशन करिए। एग्जांपल के तौर पे एक लेडी का थंब का हम पेन का इलाज करते रहे, 4 महीने तक कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, बस ये हमें मालूम चल गया कि उस लेडी ने बताया कि सर हम एक बार बहुत बुरी तरह डर गए थे और हमें रात में भूत पकड़ लिया था। भूत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ फियर था जिसके बिहाफ पे उसको दवा दी गई और उसके बाद से रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए। प्रॉब्लम कुछ और थी, कॉजिशन कुछ और था, इस बिहाफ पे दवाइयों ने काम करना शुरू कर दिया। तो ज़रूरी ये होता है कि जब तक हम सारे सिम्टम्स को कलेक्ट ना करें, प्रॉपरली कलेक्ट ना करें, सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करने के बाद हम उसका रिपोर्टराइजेशन करते हैं। तो इसीलिए इसमें दिए हुए हर एक सिम्टम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ना हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट इन सारे इन्फॉर्मेशन के हम आपको आपकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे पाएंगे, और जब तक प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे पाएंगे तब तक हम आपको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। होम्योपैथी में मेडिसिन सेलेक्ट करना फिर भी थोड़ा सा आसान होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर की बात करें, लेकिन फिर पोटेंसी का सिलेक्शन, दवा कब रिपीट करनी, कैसे करनी है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। जैसे आपका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, आपका बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको किस पोटेंसी की दवा देनी है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन 3 होते हैं, जैसे कार्बोनिक, फ्लोरिक और फॉस्फोरिक, मोटा, सिलेंड्रिकल और पतला। उसी तरह से साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि उस आदमी की सोचने और समझने की कैपेबिलिटी कैसी है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है, जिसमें फ्लेगमेटिक, ल्यूकोफ्लेगमेटिक, सैंगोनाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोग टेम्परामेंट भी बोलते हैं, तो आदमी का टेम्पर कैसा है। उसी तरह से बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं किसी भी आदमी के बीमार होने में, चाहे किसी भी आदमी के बीमारी को क्रोनिसिटी प्रोवाइड करने में। तो ज़रूरी ये है कि इन सारी स्लीप का पैटर्न क्या है, सारी मेडिसिन आप सेलेक्ट करने के बैठे और किसी मरीज़ ने आपको पर्टिकुलर स्लीप का पैटर्न बता दिया, सारी दवाइयाँ चेंज। ईच एंड एवरी सिम्टम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड लास्ट तक जाते जाते भी सारी दवाइयाँ लिखने के बाद लास्ट वाली दवा चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ नरेशन ऑफ योर सिम्टम। हमारे लिए सब्जेक्टिव सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं इन कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम एलोपैथी में ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जो हम फॉर्मेट दे रहे हैं वो सारे फॉर्मेट इस सिम्टम्स के लिए बने हैं ताकि आपकी टोटैलिटी बनाई जाए। होम्योपैथी ये मानती है कि किसी आदमी का इलाज होता है टोटैलिटी बेस। हमारी उंगली में दर्द हुआ तो उंगली हमारी है, ये केवल उंगली नहीं है, यानी कि पूरे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो इस उंगली में पेन पैदा करें। और आज की डेट में जब मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो होम्योपैथी सबसे अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि सिंगल मेडिसिन से सारे ऑर्गन पे काम करते हैं हम लोग। एक मेडिसिन की प्रूविंग में सारे ऑर्गन के सिम्टम्स होते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि हम टोटैलिटी बेस की जब बात करते हैं तो हेड टू टो हमारे लिए सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेन और माइंड के लेवल पे क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक आदमी हाईली अनसोशल है तो हमारे लिए जानना जरूरी है वाई, क्योंकि वो पैदा तो अनसोशल नहीं हुआ था ना। तो ये यदि है आ रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे हमारी मेडिसिन डिसाइड हो जाए। तो इस फॉर्मेट को जो हम लोग देते हैं फिल करने के लिए उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। इस टोटलिटी के बिहाफ पे हम आपके केस का रिपोर्टराइजेशन करते हैं, सिम्टम्स को एलिमिनेट करते हैं, हायरार्की के अकॉर्डिंग सिम्टम्स को अरेंज करते हैं, तब हम उस फाइनल मेडिसिन तक पहुंचते हैं जो फाइनल मेडिसिन आपको आराम देती है, जो ठीक करती है। केवल होम्योपैथी ही ऐसी मेडिसिन सिस्टम है जो आपकी पैथोलॉजी को रिवर्स कर सकती है। ये कैसे होता है आई कैन नॉट से, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए कि प्रोसेस बताया जा सके वो कैसे होता है,
लेकिन होम्योपैथी ऐसी मेडिकल साइंस है जो मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे अच्छा काम करती है। दैट्स वाई साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यदि मरीज पहले आ जाए तो सही हो सकता है। ज़रूरत है इस सारे सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। इन सारे सिम्टम्स को केयरफुली पढ़िए, उसको कम्प्लीटली फिल करिए और फिर फाइनली सबमिट करिए, जिससे आपकी केस की एनालिसिस ईजी हो सके, आपकी केस की प्रोग्नोसिस को डिसाइड किया जा सके, आपकी सही पोटेंसी और सही मेडिसिन डिसाइड की जा सके और आपको ठीक किया जा सके। तो ईच एंड एवरी सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड सबमिट टू अस केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी से।